हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही सबसे ज्यादा कर्मचारी वर्ग सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन कर रहा है। पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 24 नवंबर को अपनी मांगों को लेकर जींद से चंडीगढ़ तक पैदल रवाना हुए। आज स्वास्थ्य मंत्री नील विज के निवास पर अम्बाला पहुंचे। अम्बाला में एसोसिएशन ने विज को एक ज्ञापन देना था, लेकिन नील विज आज सुबह ही शहर से बाहर चले गए। एसोसिएशन ने उनके पीए को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और वहीं पर मंत्री के आने की इंतजार में अपना खाना आदि बनाने लग गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। एसोसिएशन के प्रधान बलराज देसवाल ने बताया कि वह 24 नवंबर को जींद से पैदल चले थे और 30 नवंबर को मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग पंजाब के समान वेतन है। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देना था, लेकिन वह यहाँ नहीं है, इसलिए जब तक वह नहीं आते तब तक वह यहाँ पर बैठकर उनका इंतजार करेंगे। पूर्व एक कर्मचारी को सपना दिखा करके आई थी कि हम पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतनमान देंगे, विशेषकर लिपि पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी साथियों को, लेकिन 1.5 वर्ष का कार्यकाल होने उपरांत भी आज तक भी नहीं लग रहा कि इन कर्मचारियों की जो है समस्याएं दूर होंगी। उसी को मुद्दे लेकर के हमारे एसोसिएशन ने एक आंदोलन गांधीगिरी के नाते चलाने का काम किया, जो आज 27 तारीख को उन्हीं को मांग पत्र देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात हुई संगठन को यहाँ पहुंचने उपरांत कि हम माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल जी यहाँ हमें नहीं मिले, इसे क्योंकि हम तो मानते थे कि मंत्री महोदय कर्मचारी हितेश में हमेशा बातें करते, चाहे विपक्ष में रहे हो चाहे सत्ता में रहे हो, ये विश्वास था कि कर्मचारियों की बातें सुनने के लिए हमें जरूर समय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पता चला कि मंत्री जी निवास पर नहीं है और अपने हिसाब से जो हमने तो ये कि हमारा पैदल जत्था चला हुआ पड़ाव डला हुआ है, हमारा हमने तो 30 तारीख तक हमने अपने अन्य मुख्यमंत्री को भी वहाँ ज्ञापन देना है। इससे पहले जो हमने पड़ाव आज गुड़गांव करना था, हमने चाहते हैं कि हमारे साथी कहीं जब तक मंत्री जी महोदय नहीं पहुंचते हम उनसे बगैर मिले नहीं जाएंगे अपने। अम्बाला से अजय टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।